तो गाइस क्या आपका भी यूट्यूब कुछ इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैन नॉट इंस्टॉलेड यूट्यूब ट्राई अगेन एंड इफ़ इट स्टिल डज नॉट वर्क। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसे अपडेट भी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपडेट भी नहीं हो रहा है, तो गाइस कैसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर करना है कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आपको आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद उसको करना है कि यहाँ पर आपको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाते होंगे और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब। दोस्तों जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब, जैसे यहाँ पर यूट्यूब सर्च करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मांग रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली सा आपको यहाँ पर इसको कर देना है अपडेट। दोस्तों अगर आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊँगा, अगर आपका अपडेट भी हो रहा है और ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है, अगर नहीं अपडेट हो रहा है तो उसके लिए भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इसे अपडेट हो जाने देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हम बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यूट्यूब जो है इंस्टॉल हो चुका है। और अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस आपको अपने यूट्यूब के ऊपर जो है यहाँ पर आना है और इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको चले जाना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर चले जाएंगे तो कुछ इस तरह से पेज पर आ जाएंगे। अगर दोस्तों इस तरह से आपको पेज नहीं मिलता तो दूसरा ट्रिक ये है कि दोस्तों आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की जो सेटिंग्स है उस पर आपको क्लिक करना है। कर देने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, ऐप वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सी ऑल पर क्लिक करना है, जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब को ढूंढ लेना है या आपको सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर हमारा यूट्यूब है, नहीं मिलता है तो हम सर्च भी करेंगे अभी। तो मिल चुका है फाइनली यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से यहीं पेज पर आ जाएंगे। अब दोस्तों करना कि यहाँ पर आपको इसका फोर्स स्टॉप कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों इसके परमिशंस में जाना है और परमिशंस में जाने के बाद दोस्तों इसका लोकेशंस जो है वो अलाउ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों स्टोरेज सॉरी यहाँ पर आपका बैक आना है और यहाँ पर आपके सामने स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इसका रनिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसका स्टोरेज फ्रीज कर देना है। यहाँ पर 667 MB का हो चुका है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जीरो हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने यूट्यूब को चलाएँगे तो यहाँ पर अच्छे तरीके से चलेगा। अगर दोस्तों आपका यूट्यूब अपडेट नहीं हो रहा है तो अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्लियर स्टोरेज पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका क्लियर स्टोरेज कर देना है, ये वाला। कर देने के बाद दोस्तों क्लियर स्टोरेज, अब आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर से आपको अपने यूट्यूब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नई जी मेल आई डी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा एरर देखने को नहीं मिलेगा और ये प्रॉब्लम वाकई फिक्स हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय।